दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति पावर एवं फेसबुक पेज पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाराणसी सीमा रेखा की सबसे पहला एवं सबसे प्राचीन मंदिर श्री आदि केशव मंदिर की संपूर्ण जानकारी देंगे और भगवान विष्णु की महिमा के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी लेने के लिए पूरी वीडियो को देखें एवं चैनल को लाइक एवं पेज को फॉलो जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे वाराणसी में आदि केशव मंदिर काशी का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान केशव को समर्पित है। काशी में 16 केशव मंदिर हैं, जिनमें से आदि केशव मंदिर सबसे प्रमुख है। वास्तव में काशी के आदिपति भगवान केशव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ के देवता को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने तराशा था। आदि केशव मंदिर का स्थान वह स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने पहले काशी यानी आदि केशव घाट में पैर रखा था, जिसे अब राज घाट कहा जाता है। पवित्र गंगा और पवित्र वरुणा नदियों के संगम पर खड़े मंदिर में प्राचीन शांति का वातावरण है। भगवान विष्णु के इसमें स्नान करने के बाद इस संगम को पादोदक तीर्थ कहा गया है। सबसे पुराना या सबसे पुराना होने के कारण आदि केशव मंदिर ने काशी में कई घटनाओं और घटनाओं को देखा है। वर्षों की उपेक्षा के कारण स्थानीय लोगों के अलावा मंदिर प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसके महत्व को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा मंदिर को एक सैन्य चौकी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आप इमारत की दीवारों पर पाइप के साथ छेद देख सकते हैं। इसके बाद मंदिर को ग्वालियर को राजा को सौंप दिया गया। ग्वालियर के राजा श्री सिंधिया दीवान माधव ने इसका पुनः जीर्णोद्धार कराया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। भगवान विष्णु ने स्वयं स्थापित किया आदि केशव मंदिर। भगवान विष्णु के काशी में स्थित मंदिरों की बात की जाए तो आदि केशव का मंदिर काफी प्राचीन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैंट स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर राजघाट के पास बसंता कॉलेज से होते हुए वरुणा गंगा संगम पर यह बेहद सुंदर मंदिर स्थित है। कथा के अनुसार राजा दिवोदास से काशी प्राप्ति की इच्छा से गणेश जी सहित सभी देवताओं को भगवान भोलेनाथ ने काशी भेजा था, लेकिन काशी को प्राप्त करने की उनकी इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि जो भी देवता काशी को दिवोदास से मुक्त कराने आए वे यहाँ की सुंदरता देखकर वापस भगवान शिव के पास नहीं गए। शिव जी ने इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को काशी भेजा। भगवान शिव के निर्देश पर विष्णु जी लक्ष्मी सहित गरुड़ पर सवार होकर शिव जी की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम किया और मंदराचल पर्वत से काशी के लिए चल पड़े। काशी में उन्हें वरुणा गंगा संगम स्थल पर श्वेत द्वीप दिखाई दिया। वे अपने वाहन के साथ इसी स्थान पर उतर गए। संगम पर उन्होंने स्नान किया, जिससे यह तीर्थ विष्णु पादोदक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्नान के बाद भगवान विष्णु ने भोलेनाथ का स्मरण कर काले रंग के पत्थर की अपनी त्रैलोक्य व्यापिनी मूर्ति आदि केशव की स्वयं स्थापना की। साथ ही कहा कि जो लोग अमृत स्वरूप अभिमुख क्षेत्र काशी में मेरे आदि केशव रूप का दर्शन पूजन करते हैं, वे सब दुखों से रहित होकर अंत में अमृत पद को प्राप्त करेंगे।